हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। मैं चिंचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए प्रोडक्टिव। तो आज मैं आपके सामने नया प्रोडक्ट, देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये इमरजेंसी लंठन है, ये इमरजेंसी इलेक्ट्रिक लंठन है और इसको आप चार्ज कर सकते हैं सोलर से भी, जो सोलर पावर है, सोलर पावर से भी थ्रू कॉर्ड आपको ये चार्ज कर सकते हैं और डायरेक्ट एसी से भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये जो ब्रांड है, ये संतोष ब्रांड, ये वेस्ट बंगाल का ब्रांड है संतोष, क्योंकि इसका नाम जो है ये वेस्ट बंगाल का नाम है संतोष। संतोष मतलब संतोष, सेटिस्फाई इंग्लिश है सेटिस्फाई। इसका नाम है कैनेडी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। ब्राइटनिंग द वर्ल्ड संतोष मार्केट बाय संतोष ग्रुप, इयर्स ऑफ एक्सलेंस, 50 इयर्स ऑफ एक्सलेंस। और संतोष जो ग्रुप का है वो VCD प्लेयर भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि VCD प्लेयर, DVD प्लेयर, होम थिएटर, टेलीविजन मॉनिटर, ये सब प्रोड्यूस करता है। तो ये संतोष बहुत ही कोलकाता का कंपनी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल कोलकाता का कंपनी है। तो ये बहुत साल, दो साल हो चुका है ये मैंने परचेस किया, तो मैं सोचा इसका कोई एक प्रोडक्ट भी आपको दे दूँ। आप अगर देख रहे हैं मार्केट में संतोष का कोई ब्रांड, आपको कोई कोई कस्टमर कहते हैं जिससे नए संतोष का ये लोकल कंपनी है, अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। देखिए ये काफ़ी अच्छा है, ये देखिए मैंने कब ख़रीदा है, देखिए 31/10/19 में ख़रीदा, देखिए 31/10/19 में, अभी 22 चल रहा है, 19, 21, 22, 3 साल हो गया है। देखिए ये आपको देख कर ही पता चल जाएगा, ये 3 साल थोड़ा सा गंदा पड़ चुका है। और ये देख रहे हैं, ये देखिए लाइट है ये, और इसका थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए 3 साल हो गया है, अभी भी चल रहा है, कोई भी बैटरी को चेंज रिप्लेस मैंने नहीं किया, कोई नए बैटरी नहीं लगाए। देखिए ये देखते हैं एकदम लंठन की तरह होता है, और इसको थोड़ा सा फोल्ड करके आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये देखिए एक दिन लंठन की तरह है, आप अगर किसी हैंगिंग में आप रख सकते हैं तो रख सकते हैं, आपको अगर ऐसे करके लेना है तो वो भी रख सकते हैं। ये गांव के लिए और लेकर कहीं भी जाने के लिए बहुत ही अच्छा है, आप अगर बैलगाड़ी में आप रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। और इसमें ये देखिए इसका सोलर चार्जर आप इसमें इनपुट कर सकते हैं और AC चार्जर भी आप इनपुट कर सकते हैं। तो इस और ये थोड़ा सा ये रेड कलर में आता है और इतना साल चल रहा है, कोई भी बहुत ही अच्छा देता है। और इसका एक डिसएडवांटेज है, जब ये लाइट, जब ये बैटरी ख़त्म हो जाता है, इसका जो ऐसे जो नॉर्मल इमरजेंसी होता है वो क्या होता है, जो जितना सारा LED बल्ब होता है तो उसका जो इंटेंसिटी है, बैटरी कम होने के बाद उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम, उससे पता चल जाता है ये बैटरी कम हो रहा है, दिस सिस्टम नीड्स टू बी रिचार्ज अगेन। तो इसको कभी भी पता नहीं चलेगा, हट से ये बंद हो जाएगा, आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, झट से आपको पता ही नहीं चलेगा ये अभी बैटरी लो हो चुका है। तो 3-4 घंटा आपको बैटरी रिचार्ज करना पड़ेगा इन द इलेक्ट्रिक AC करंट में। अभी तक हम लोगों ने सोलर सेल में इसको रिचार्ज नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका टाइम क्या है, कोई गेस करके कुछ चीज़ हम नहीं बताते, जो हम करते हैं वही हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो इसका जो अंदर बल्ब है वो नॉर्मल बल्ब है, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है ये कौन सा वाट का बल्ब है, जो मुझे बाहर से पता चल रहा है ये 9 वाट का बल्ब है, ये 9 वाट से थोड़ा सा कम, 6 वाट भी हो सकता है, ये जितना पावर है उतना
उतना पावर हो सकता है, लेकिन ये 9 वाट एग्जैक्टली 9 वाट है, मुझे श्योर है, ये आई एम श्योर दैट दिस बल्ब इज़ नॉट द 9 वाट बल्ब, इट इज़ बिलो 9 वाट, 6 वाट भी हो सकता है, 5 वाट भी हो सकता है इसका इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू दिस इंटेंसिटी। तो आपको अगर 9 वाट बल्ब लगाना है तो अच्छा है, आप डायरेक्टली LED बल्ब इसमें लगा सकते हैं। और ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसका ये देखिए, और ये थोड़ा सा जो नीचे है, नीचे भी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है 220 to 240 वोल्ट है, 50 और 60 हर्ट्ज़ में भी आप ये लगा सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ, और देखिए ओके, पास है, नीचे ऐसे ग्रिफ है, 4 ग्रिफ है, और ये साइड में ऐसा है, ऐसा है। और इसमें जो बटन है, इसमें जो बटन है, आपको अगर एक बार प्रेस कर दूँ तो ये जलेगा, और एक बार दूसरे प्रेस कर दूँ ये बंद हो जाएगा। अगर जलने से बहुत ही अच्छा देता है, देखिए आप तो देख नहीं पाएंगे इस लाइट को, क्योंकि ये जो लेंस है वीडियो का बहुत ही लो क्वालिटी है, आपको ये इंटेंसिटी दिखाई नहीं देगा। तो आप, मैं आपको ये जला कर मैं आपको दिखा दिया, मैं आपको इसको बंद कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक हो गया। तो आपको ये जो लाइट है ये 1 घंटा या 1.5 घंटा तक रख सकते हैं, इफ़ यू रिचार्ज इस बैटरी फुल, 1 या 1.5 घंटा ये चलेगा, उसके बाद अचानक ये बंद हो जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे ये 3-4 घंटा चले, तो ये जो लंठन है इट इज़ नॉट सुइटेबल। आप अगर चाहते हैं यहाँ मेरा दुकान में बाहर में फुटपाथ में दुकान हो, कोई भी दुकान हो, उसमें साइड में कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं है, उस फुटपाथ में दुकान लगाकर ये आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो 1-1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा के लिए आप इसको यूज़ कर पाएंगे, और ये अचानक बंद हो जाएगा, आपको कोई चांस ही नहीं देगा, आपको कोई कोई अवार्ड भी नहीं करेगा। ये सबसे एक कौन से सबसे डिसएडवांटेज है। और जो छोटा 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 बल्ब होता है, वो बल्ब क्या करता है, जब बैटरी कम हो जाता है, थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाता है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको ये जो हमारा जो रूरल एरिया है, घर में आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा के लिए ये लाइट सबसे अच्छा है। तो आपको अगर ऐसे रिक्वायरमेंट है तो आप ये खरीद ले, आपको अगर वो ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, 4-5 घंटा चले, जो बैटरी कम हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट कम होता जाएगा, तो उसके लिए ये उस जैसे क्राइटेरिया के लिए ये जो हैजाक कहे, इमरजेंसी लाइट कहे, इलेक्ट्रिक लाइट कहे, ये उसके लिए, उस लोगों के लिए ये एकदम ही अच्छा नहीं है। एक घर इज़ यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज़, हाउस होल्ड के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अभी तक शहर में 1 घंटा 2 घंटा करंट जाना तो ये 10 साल पहले होता है, मेरे सिटी में तो 10 मिनट से ज़्यादा करंट जाता ही नहीं, जब जाता है पहले वार्निंग कर देता है, हाँ इसका दिन 6 घंटा लाइट नहीं रहेगा, वो दूसरा चीज़ है। तो ये फॉर हाउस होल्डिंग पर्पज़। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मैंने बहुत सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू प्रोडक्ट। बाय बाय।